मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं जन्माष्टमी स्पेशल फ्रूट केक, क्योंकि कान्हा जी का हमारे बर्थडे है तो आज हम कुछ स्पेशल तैयार करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने मावे से यहाँ पे फ्रूट केक तैयार किया है। इसमें हमने मावा, व्हिप्ड क्रीम, ड्राई फ्रूट, बस कुछ ही चीजें यूज में ली हैं। आइए अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मावे का केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो मावा लिया है, जो मैंने अच्छे से सेक के रखा हुआ है। एक कप मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है, वनीला एसेंस लिया है, रेड कलर लिया है। फ्रेंड्स, हम मावे का केक फ्रूट फ्लेवर में बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रूट चेरी भी ली है। आप चाहें तो फ्रूट वाली चेरी भी ले सकते हैं और व्हिप्ड क्रीम। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बड़े बाउल में मैं मावे को निकाल लूंगी। मावा बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया है मैंने। इसमें हम एक चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। फ्रूट फ्लेवर बनाना है, आप वनीला, पाइनएप्पल जो भी पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चम्मच मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस डाल दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एसेंस बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी मिक्स कर देंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप एक कप से ज़्यादा शुगर ले सकते हैं। मैं यहाँ मीठा पसंद ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मावा वैसे भी मीठा होता है, तो हम इसमें एक कप चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब इसको बहुत अच्छे से हम इसको जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से बहुत अच्छे से हम इसको मथ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से मावे को मथ लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी मथ सकते हैं, एकदम चिकनाई आ गई है मावे में। आइए अब अपन केक बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने केक बोर्ड तैयार कर लिया है। मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे मोटे गत्ते का एक गोल साइज काट लिया है। आप चाहें तो चौकोर भी काट सकते हैं, और इसको फॉइल से हमने अच्छे से कवर कर दिया है। इसको हम किसी कटोरे पे या किसी प्लेट पे रख लेंगे। सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, व्हिप्ड क्रीम मैंने आपको बताया था बेकरी शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाती है। देखिए, मैंने इस पर पहले थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगा दी है। फ्रेंड्स, मैंने व्हिप्ड क्रीम लगा दी है। अब मैं सबसे पहले मावे की लेयर लगाऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है। व्रत में हम बना सकते हैं, और वैसे भी कान्हा जी का बर्थडे है तो कुछ हमें यूनिक ही चीज़ बनानी चाहिए। तो देखिए, मैं बहुत ही अच्छा केक बना रही हूँ। इसको हम हाथ से फैलाएंगे। देखिए, मैंने इसको हाथ से शेप दे दी है, गोल कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी राउंड शेप दे दी है। इसको हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है, पतला हो जाएगा। अब हम इस पर थोड़ी सी चेरी लगा देंगे। हमने फ्रूट केक बनाया है फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी चेरी लगा देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। आइए व्हिप क्रीम की लेयर लगा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे नाइफ से व्हिप्ड क्रीम आराम से नहीं लगती है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने हाथ से ही लगाई है और बहुत अच्छे से मैंने इसको सारे पे लगा दिया है। आइए अब हम एक लेयर वापस मावे की लगा देते हैं। फ्रेंड्स, बचा हुआ सारा मावा हम इसमें लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकंड लेयर मावे की भी लगा दी है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, इसलिए मावा और क्रीम दोनों फैल रहे हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं, उसके बाद हम इसको डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मावे की लेयर कंप्लीट हो गई है। हम इस तरीके का लकड़ी का पलटा ले लेंगे, इससे हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि इसका शेप सही हो जाए।
और इसको 15-20 मिनट के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से 15 मिनट हमें हो गए हैं, 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आइए अब हम इस पे आगे की प्रिपरेशन चालू करते हैं। अब हम इस पे वापस एक लेयर व्हिप्ड क्रीम की लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब तरफ व्हिप क्रीम बहुत अच्छे से लगा दी है। फ्रेंड्स, मावे का केक है इसलिए हमने यहाँ पे बहुत मोटी लेयर व्हिप क्रीम की नहीं लगाई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से व्हिप्ड क्रीम से केक को कवर कर दिया है। आइए अब हम डेकोरेशन के लिए व्हिप्ड क्रीम में कलर मिक्स कर लेते हैं। हम फ्रूट केक बना रहे हैं इसलिए आप जो कलर चाहें, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, वो आप इसमें व्हिप्ड क्रीम में यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने व्हिप्ड क्रीम बाउल में निकाली हुई है, अब इसमें हम रेड कलर के कुछ ड्रॉप डाल देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे रेड कलर के कुछ ड्रॉप डाल दिए हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके देखते हैं। हम इसका डार्क पिंक शेड लेंगे। अभी इसमें हम ड्रॉप और डाल लेंगे क्योंकि ये डार्क पिंक शेड आया नहीं है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, अच्छा पिंक कलर आ गया है। अब हम इसको एक कोन में भर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कोन बनाना बताया है कि हम केक के वीडियो में कि हम इस तरीके का एक प्लास्टिक का कोन बना लेंगे, और मैंने आपको नोजल भी बताए थे। ये तो मैंने मार्केट से परचेज किया है, बाकी मैंने आपको कट किए हुए नोजल घर पे हार्ड प्लास्टिक से बना के बताए थे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस नोजल को हम इस कोन में फिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अब हम इसमें व्हिप क्रीम भर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोन बिल्कुल तैयार कर लिया है। पीछे आप चाहें तो इसमें धागा लगा दें या रबड़ लगा दें। रबड़ लगा दे रही हूं मैं। आइए अब आप जैसा चाहें वैसा इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बाउंड्री बना देंगे। फ्रेंड्स, हमने बाउंड्री इस पे कर दी है चारों तरफ। आइए फ्रेंड्स, हम इस पे डिजाइन स्टार्ट कर देते हैं बनाना। आप जैसा चाहें वैसा फ्लावर बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डेकोरेट भी कर दिया है, छोटे छोटे फ्लावर बना दिए हैं। अब आप अगर इसमें चाहते हैं तो फ्रूट चेरी लगा सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे देखिए बादाम से इसको डेकोरेट कर देती हूँ। हम इसमें बादाम लगा देंगे।
फ्रेंड्स मैंने केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ साइड में तो बादाम लगा दिए हैं और बीच में मैंने काजू लगा दिए हैं, आप चाहें तो क्रश करके भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जन्माष्टमी स्पेशल केक हमारा बिल्कुल रेडी है, आप इसको फलाहारी केक भी कह सकते हैं। आप कभी भी व्रत में किसी ओकेजन पे जन्माष्टमी पे जब आपका मन करे आप ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।